हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा, एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अपना शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन लिए, बट शेयर करने का रीज़न ये है कि समटाइम आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगेन नीड वाले हैं, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे फैंसी नहीं है कि बस जस्ट शॉप के लिए लिया गया हो। सारे के सारे ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, बहुत ही लिमिटेड छोटा सा वीडियो है। 5 से 6 प्रोडक्ट मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और जो कि बहुत ही बेसिक भी है, ऐसा कुछ बहुत फैंसी नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन और है कि मैंने अपना एक ब्लॉगिंग का अलग चैनल बना किए हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। उसका नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आपको मेरे पर्सनल ब्लॉग देखने पसंद आते हैं तो आप इस चैनल पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से वीडियो देखें। का अलग चैनल बनाने का ये रीज़न था कि एक ही चैनल पर इतना ज़्यादा घसड़ पसड़ नहीं करना चाहिए जैसा कि मैंने कर रखा है। इसी पे मैं फैशन के वीडियो भी डालती थी, इसी पे मैं ट्रैवलिंग वीडियो भी डालती थी, इसी पे मैं पर्सनल वीडियो भी डालती थी। इन्हीं सब रीज़नों से मेरा वीडियो इतना लेट जो है जाके उसमें मोनेटाइज के अभी सारे उसके टर्म एंड कंडीशन कम्प्लीट हो गए हैं। बट अभी मैंने उसको एक ईमेल डालना पड़ता है, मतलब कि आई एम रेडी टू मोनेटाइज, तो मैंने वो नहीं किया है। रीजन इज लास्ट 1.5-2 महीने से बहुत बिजी थी, तो उसके मैं जो भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो सब मैं फॉलो ना कर पाती, इसलिए मैंने नहीं डाला कि ताकि रिजेक्ट ना हो जाए डालूँ। तो अब मैं डालूँगी उस मोनेटाइज के लिए, तो फिर उसमें चैनल मेरा चेक किया जाएगा कि किस टाइप के मैं वीडियो बनाती हूँ, किस टाइप के मेरे व्यूज़ आए हैं, किस टाइप के व्यू आते हैं, उन सब चीज़ों के साथ के बाद जो है चैनल मोनेटाइज होता है। मतलब इतना टाइम जो मैंने लिया उसमें मेरी इतनी सारी गलतियाँ थी। यूट्यूब पे आने से पहले मैंने कोई भी होमवर्क नहीं किया था, कोई भी प्लान नहीं बनाया था, बट जस्ट जो कि यूट्यूब पे 50-60% लोग यही करते हैं, जो मैंने बेवकूफ़ी करी थी। मैंने जस्ट एक ऐसे ही एज ए फन, एज ए टाइम पास के लिए वीडियो चैनल क्रिएट किया। चैनल क्रिएट करने के बाद मैं वीडियो डालने लगी। वीडियो का कोई एक क्या बोलेंगे एक कोई एम नहीं होता था, कभी इधर के वीडियो, कभी उधर के वीडियो, कभी इधर के वीडियो। मतलब मुझे कुछ भी पता भी नहीं था, मतलब मैं एकदम जीरो थी। और जब धीरे धीरे मुझे चीज़ें पता चलने लगी, फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई, कुछ ना कुछ होने लगा, तो जिसके कारण मैं इतना, मतलब मेरी कुछ गलतियों से, और मुझे मैंने एक्चुअल में तो मैंने मतलब मैं मोनेटाइज कराऊँ यूट्यूब के थ्रू जो है कुछ अच्छा करूँगी, ऐसा कुछ सोच के मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था। ऑनेस्टली हो सकता है जो नहीं सक्सेस होते सब यही बोलते हो, बट मैं ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं शुरू किया था। बट धीरे धीरे थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट जगने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। और मैंने फैशन के वीडियो को चूज़ किया, उसका रीज़न ये था कि जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं फैशन से रिलेटेड, वो मुझे अच्छी लगती थी जानना, समझना, फैशन के बारे में पढ़ना मैगजीन में या नए नए क्या चल रहा है। मैं 90% टीवी सिर्फ इसलिए देखती हूँ कि किस सीरियल में किसने क्या पहना है, ज्वेलरी किस टाइप की पहनी है, पर मुझे उसकी कहानी वानी में कोई इंटरेस्ट नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट था। और फिर रही बात ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग भी जस्ट फन, जस्ट मज़े आ रहे हैं, और ब्लॉग करते हैं लोग, मैं भी ब्लॉग करती हूँ, ऐसे ही टाइप में ब्लॉगिंग भी करने लगी। बाकी ब्लॉगिंग कई लोग हैं जो मुझे ब्लॉगिंग के लिए मुझे मतलब मैसेज पर्सनली भी करते हैं कि अभी आजकल क्यों आप। ये सब रीज़नों से मतलब बढ़ता चला गया। अब मैंने सोचा था मैं फिर से अच्छे से करूँगी, तो मुझे चोट लग गई, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि मुझे चोट लग गई। तो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, चोट ठीक हो रही है अभी। बाकी ठंडी की चोट है, थोड़ा सा टाइम ले रही है, दवा पानी भी ले रही हूँ मैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा ज्ञान हो गया, मतलब बहुत सारी चर्चा हो गई, बोलेंगे ज्ञान तो नहीं था फिलहाल कुछ भी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, मतलब चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। और इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे, नए नए आइडियाज़ पर वीडियो आते रहेंगे, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे टॉपिक ऐसे मेरे पास, मतलब जिन पे मुझे वीडियो बनाना है, पर मैं 2-3 1.5-2 महीने से बहुत बिजी चल रही थी तो नहीं बना पा रही थी।
तो उन सब का वीडियो आएंगे, साड़ी रीयूज़ के वीडियो आएंगे। इसके पहले मैंने एक साड़ी रीयूज़ का वीडियो डाला है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो उसे जाकर देखें, वहाँ से आइडिया लें अपनी साड़ियों को रीयूज़ करें। और उस टॉपिक पे और भी कंटिन्यू वीडियो, उस टॉपिक पे और भी वीडियोस आएंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, और जैसा कि मैंने पहले बताया ये सारे के सारे ऑफलाइन हैं, बट ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। तो मैंने एक सैंडल लिया है, अगेन बहुत कॉमन है, आपको इस समय ये ऑनलाइन में बहुत दिख रही होगी। इतनी हील है, इसमें साइज है मेरा 6 नंबर, वैसे मुझे लगता है मैंने वहीं पहन के ही देखा था और कहीं इसमें साइज मेंशन नहीं है। बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, मुझे बड़ा ये मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। अगेन बड़े बेसिक है, इयररिंग, झुमका इयररिंग। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद एक ये कार्टून प्रिंट वाला पजामा, बड़ा ही सॉफ्ट है, वही वेलवेट टाइप में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसमें मेरे पास 2 पजामे हैं पहले से, ये तीसरा है। इसके प्रिंट बड़ी अच्छी लग रही थी, ये भी मार्केट का ही लिया हुआ है, लोकल मार्केट जो होती है स्ट्रीट मार्केट वहाँ से लिया हुआ है। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद ये एक जैकेट है, मुझे एक लाइट, मतलब मेरे पास 2 जैकेट हैं जो आपने शायद वीडियो में अगर ध्यान दिया हो तो पहले भी, पर वो दोनों फुली टाइप में है, ऐसे फिटेड टाइप में जैकेट नहीं थी। लाइट वेट तो बहुत नहीं है ऐसा कि बहुत ही हल्की है, बट जो बहुत फूली ना रहे वैसी नहीं है, ये लेदर टाइप वाली है, ओरिजिनल लेदर नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ आर्टिफिशियल लेदर ही है। ये भी मार्केट में जाके ली गई है, मैं पिक्चर कोशिश करूँगी कि डाल दूँ। तो ये इसके लेने का पर्पज ये था कि ये सूट के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है और वेस्टर्न के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने मायके में और अपने ससुराल दोनों जगह इंडियन ही पहनती हूँ, 100% इंडियन ही पहनती हूँ। तो वो जो फुली होती है वो जीन्स वगैरह के साथ ही अच्छी लगती है। सूट में मैं थोड़ी सी ऑलरेडी मतलब मोटी तगड़ी हूँ, तो वो पहनने के बाद और ऐसे, तो उनको तो मैं लाई भी नहीं हूँ, वो लद्दाख में ही रखी हैं। तो उसी पर्पज से मैंने इसको लिया कि इसको सूट के साथ भी पहनो तो उतनी ही अच्छी लगती है, और जींस वगैरह के साथ भी पहनो तो भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक स्वेटर, ये मुझे गिफ्ट में मिला है मेरे भैया और भाभी की तरफ से। इसका कलर बहुत ही प्रिटी है, पिंक और पर्पल के बीच का जो एक शेड होता है, ना पिंक बोल सकते हैं ना पर्पल बोल सकते हैं, शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस कलर को। ऐसे जो शेड वाले कलर होते हैं ना वो कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आते, रेड देखिए कितना अच्छा से रेड आ रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक चिकनकारी साड़ी, जो कि जिसके ऊपर अच्छी लगेगी वो ले लेगा। आई एक्चुअली मम्मी के लिए थी, बट मम्मी कह रही हैं कि तुमने देख के नहीं लिया, तो बोल रही हैं इसकी हाइट या कुछ लेंथ बता रही हैं वो छोटी है। अभी मैं पहन के देखूँगी, और मैंने सोचा है स्वेटर के साथ ही पहन के देखूँगी, और नहीं तो फिर भाभी ले लेंगी। खरीदी मम्मी के लिए गई थी, मम्मी को बड़े दिन से, मम्मी मेरी बड़े दिन से बोल रही थी चिकनकारी, तो ये लेके आई हूँ मैं। क्वालिटी वाइज साड़ी बहुत अच्छी है, और फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छी, इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी, मेरे पास कई सारे चिकनकारी के कुर्ते हैं बट फिनिशिंग में एम्ब्रॉयडरी किसी में नहीं हुई है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए बहुत ही मतलब बहुत फिनिशिंग है। उसके पास और भी थी, कम रेंज में भी थी, 700 की भी थी, 900 में भी थी, 1200 में भी थी, बट सब में
सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का ही मेन डिफरेंस सब में एम्ब्रॉयडरी का था, और कपड़े में बस थोड़ा बहुत 19 पीस का फ़र्क था, जो 700 वाली थी वो भी, और जो ये 2000 की बता रहा था वो भी, कपड़े में 19 पीस का फ़र्क था बस। सारा का सारा खेल था इसके वर्क का। इसकी जितनी अच्छी फिनिशिंग थी वो फिनिशिंग 700 वाले में नहीं थी, और इतना ज़्यादा भी नहीं था। इसका पल्लू देखिए कितना सारा है, ये यहाँ तक, ये देखिए नीचे भी ऐसे ऐसे बनी है पूरे में, जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि भाभी लेंगी कि मम्मी लेंगी। अगर वो दोनों जन नहीं लेंगी तो, वैसे तो मेरी हाइट खुद उन दोनों जन से बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो किसी उसमें आएगा नहीं, मैं लालच में ले लूँ अलग बात है, तो मैं लालच में लूँगी नहीं कि पहन भी ना पाऊँ। तो अगर मम्मी को नहीं सही से आएगी तो भाभी लेंगी, खरीद के मम्मी के लिए आई थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिसपे मेरे ब्लॉग वीडियो अपलोड होंगे। अब हफ्ते में 2-3 वीडियो, ब्लॉग वीडियो भी उस पर डालूंगी, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लोर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सी यू सून।